कहा जाता है कि इंसानियत शब्द की असल परिभाषा वह व्यक्ति ज्यादा जानता है जो इंसानियत निभाने को अपना धर्म मानता है। नमस्कार, बीसीएन न्यूज की स्पेशल स्टोरी में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। हर कोई जानता है कि शहर में कोरोना के चलते दिन प्रतिदिन स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। रोजाना हजारों की तादाद में कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते कई जरूरतमंद लोगों को अस्पताल में बेड्स भी नहीं मिल रहे हैं और ना ही उनका इलाज सही ढंग से हो रहा है। इसी बीच पाँचपावली का डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर कोरोना से ग्रस्त जरूरतमंद मरीजों के लिए एक नई आशा की किरण साबित हो रहा है। ऐसा क्या है इस कोविड केयर सेंटर में, आइए जानते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। एक इंसान होने का जो सबसे बड़ा फायदा हमें है वह मानवता के कल्याण के लिए हमेशा कर्म करने जाना। इंसान का सच्चे अर्थों में इंसान होना ही मानवता है। इंसानियत के धर्म के कायदे से ही एक व्यक्ति दूसरे से प्रेम करता है। जब आप किसी गरीब इंसान की किसी भी तरह से मदद करते हैं तब आप मानवता के हित के लिए काम करते हैं, जिससे पूरे समाज को एक अच्छा संदेश मिलता है। हालांकि आजकल के इस युग में बहुत कम ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के लोगों को मदद करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन ऐसे कुछ लोग भी हैं जो हमेशा हर किसी की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। उन्हीं में से एक है पाँचपावली का डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर, जहां जरूरतमंद कोरोना रोगियों का मुफ्त में इलाज किया जा रहा है। नागपुर महानगर पालिका, मेडिकल सर्विस सोसाइटी और जमात इस्लामी हिंद द्वारा संयुक्त रूप से शुरू हुए इस कोविड केयर सेंटर में कोरोना की माइल्ड सिम्टम्स होने वाले मरीजों का संपूर्ण इलाज मुफ्त में किया जाता है। इस दौरान मरीजों के खाने पीने का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। कुछ दिनों पूर्व शुरू हुए इस कोविड केयर सेंटर में अब कई लोग भर्ती हुए हैं, जिनका इलाज भी सुचारू रूप से चल रहा है। 4-5 दिनों पूर्व शुरू हुए इस अस्पताल में अब तक कुल 60 मरीज या फिर उससे भी ज्यादा भर्ती हो चुके हैं, ऐसी जानकारी वही की एक डॉक्टर सिद्दीकी अहमद ने दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि हम लोगों द्वारा सबसे पहले तो कोरोना क्या है इस संदर्भ में लोगों में जन जागृति की गई, जिसके बाद हमने मनपा से इस बारे में बात की। हमारे पास डॉक्टर्स और नर्सेस की एक टीम है जो खुद होकर जरूरतमंद लोगों की मदद करना चाहते हैं और उनका इलाज करने की इच्छुक है, जिसके बाद इस सेंटर की नींव रखी गई। इस वक्त उन्होंने इस सेंटर से जुड़ी संपूर्ण जानकारी साझा की। देखिए, ये जो संस्था है मेडिकल सर्विस सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये पूरा मेडिकल फील्ड में काम करती है, पूरा साल भर काम करती है, नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है। अभी ये कोरोना पीरियड में हम लोगों ने सबसे पहले कोरोना के बारे में लोगों में अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया था। कोरोना क्या है, लोगों को अभी तक ये नहीं था कि भाई कोरोना नाम की चीज़ ही नहीं है। हमने वो उनको समझाया कि भाई कोरोना क्या है, उसके प्रिकॉशन क्या है, और फिर उसके बाद हमने धीरे धीरे नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब से मिलकर इस बारे में चर्चा की, अवेयरनेस का प्रोग्राम किया, और फिर हमारे पास एक डॉक्टर्स की, एक कंसल्टेंट की, नर्सेस की एक टीम थी, तो हमने नागपुर म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशन है उसके कमिश्नर साहब से जब ये डिस्कस किया कि सर हमारे पास एक टीम है जो वॉलंटरीली इस काम को करना चाहती है, ताकि लोगों में जो गरीब है, लोग जिन तक इलाज की सुविधा नहीं पहुँचती है, वो कम पढ़े लिखे होने की वजह से, कम उनको लिटरेसी की वजह से, मालूम नहीं होने की वजह से वो लोग इधर उधर भटकते रहते, तो हमने एक इच्छा जाहिर की थी उनके सामने कि सर हम इसमें काम करना चाहते हैं। उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया और इस सेटअप को चलाने की हमें अनुमति दी, पूरा योगदान किया। मेडिकल सर्विस सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, जमात इस्लामी हिंद के अंडर में काम करती है, उसके प्रेसिडेंट हमारे डॉक्टर नईम न्याजी है, और सभी जमातें मिलके जो वो है, तबलीगी जमात, अहले हदीस जमात, सुन्नी जमात, अदुआ फाउंडेशन, ये सारे लोगों का योगदान बहुत इसके अंदर है। सभी लोग इसके अंदर योगदान से इस काम को कर रहे हैं और बहुत डेडिकेटली काम कर रहे हैं। हम लोगों को अवेयरनेस करते हैं, वैक्सीनेशन के बारे में अवेयरनेस करते हैं, कोरोना से कैसा बचना है उस बारे में अवेयर कर रहे हैं, प्राथमिक उपचार कर लेना चाहिए फीवर आने के बाद या कोई भी सिम्टम्स आने के बाद, उन्होंने सीधा सबसे पहले RT-PCR कर लेना चाहिए, बाकी के टेस्ट बाद में हो गए, लेकिन सबसे पहले RT-PCR टेस्ट हो गया तो उनको पता चल जाता है कि वो कोरोना पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव है तो तुरंत उसका प्राथमिक उपचार शुरू हो सकता है, ताकि वो पेशेंट सीरियस नहीं होता है। अभी कुछ कंडीशन ऐसी है लोगों की कि डरते हैं कि भाई कोरोना का ये टेस्ट हम नहीं करना चाहते, ये सबसे बड़ी गलती करते। उन्होंने सबसे पहला काम, जब भी उनको ऐसा लगता है तो कोरोना का टेस्ट करना चाहिए। कोरोना से अगर वो निगेटिव आ गए तो बाकी के टेस्ट होते रहेंगे, ट्रीटमेंट होता रहेगा, लेकिन वो 4-5 दिन 6 दिन घर में पड़े रहते हैं, और जब बहुत ज़्यादा सिम्टम्स बढ़ जाते हैं तो कोरोना का टेस्ट करवाते हैं। जब कोरोना पॉजिटिव आता है
फिर 3-4 दिन इधर उधर भटकते रहते हैं, और जब बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं तो फिर मेयो मेडिकल इधर भटकते हैं, जिसकी वजह से क्या है, सीवियरिटी जो है कोरोना की और मॉर्टेलिटी बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए हमने एक अवेयरनेस शुरू किया है। और दूसरा चीज़ है, जो माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट है उसको यहाँ पर हम एडमिट करते हैं, उसको उपचार करते हैं ताकि वो पेशेंट सीरियस ना हो। और जो जीएमसी आईजीएमसी में स्टेप डाउन पेशेंट जो है उनको हम इस सेंटर पर लाते हैं वहाँ से, ताकि वहाँ पर बेड अवेलेबिलिटी बढ़ जाए, ताकि सीरियस पेशेंट वहाँ रहे और जो नॉर्मल हो रहे पेशेंट उनको हम यहाँ पर ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। और काफ़ी लोगों को यहाँ पर सुविधा दे रहे हैं, पेशेंट को काउंसलिंग कर रहे हैं, उनके रिलेटिव को काउंसलिंग कर रहे हैं, जो कोरोना के संबंध में लोगों में मिसकंसेप्शन है और एन्जाइटी है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमारा सेंटर जो है ना, हमको जब कमिश्नर साहब ने, जब हम छुट्टी का दिन था, संडे का दिन था, कमिश्नर साहब ने हमको बुलाया कि आपका क्या प्लानिंग है बताइए, और जैसे ही उन्होंने हमारा सारी चीज़ें सुनी और कमिश्नर साहब ने हमको इंस्पायर किया इस चीज़ के लिए, विद इन 4 डेज हमने ये सेंटर शुरू किया। माननीय महापौर साहब ने इसका इनॉग्रेशन किया, माननीय नितिन राउत जी यहाँ पर आकर विजिट करके गए, सभी पार्टीज़ का हमको अच्छा इसका प्रतिसाद मिल रहा है। और जब 4 दिन हो गए अभी शुरू हो के, हमारे पास 60 पेशेंट्स है, जिसमें से आज तक हमारे 12 से 13 पेशेंट डिस्चार्ज हुए और 3-4 पेशेंट रेफर हुए हायर सेंटर, जो यहाँ पर थोड़ी सी इनकी हालत नाजुक हो रही थी, तो उसको भी जीएमसी आईजीएमसी के डॉक्टर्स ने बहुत जल्दी उनको वो करके उपचार शुरू कर दिया। इस वक्त अल दुआ फाउंडेशन के अजहर खान ने भी जानकारी दी कि इस कोविड केयर सेंटर के माध्यम से हमारा लक्ष्य जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाना है। उनका कहना था कि हम काफी समय से लोगों की मदद कर रहे हैं और अब भी इनके साथ मिलकर लोगों की सहायता कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहाँ लोगों का उपचार मुफ्त में किया जा रहा है और उनकी देखभाल भी सही ढंग से ली जा रही है। ये हम लोग जो है अल्दुआ फाउंडेशन, ये काफ़ी दिनों से मतलब मेडिकल सर्विस, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल मेयो मेडिकल में काम करते हैं, और काफ़ी समय से हम लोग इसके अंदर में जो गरीब पेशेंट होते हैं इनके लिए काम करते हैं। और जो ये जमात इस्लामी, इनका ये जो खुला है, इनके साथ भी मिलके हम लोगों ने मिलके काम किया है। जैसे इनका ब्लड डोनेशन का काम होता है, ये होता है, इनकी भी हम सब मिलके जो एक दूसरे के लिए हेल्प करते हैं। और यहाँ से जो भी पेशेंट्स वगैरह का है, ये भी जो एकदम ज़रूरतमंद है, जिसके लिए मतलब पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, तो उनको हम फ्री ऑफ चार्ज उनको सर्विस देते हैं, एम्बुलेंस की उनको वहाँ तक पहुँचाते हैं। इस तरीके से हमारा काम चल रहा है काफ़ी सालों से, और कई लोगों का कोऑपरेट भी होता है इसमें। नागपुर की जनता का ऐसा है कि यहाँ पे जैसा भी है, हम लोग जो कॉरपोरेशन के जो रेट है, जैसे नागपुर सिटी के अंदर में उनके रेट तय किए हुए हैं, उस हिसाब से चार्जेज है। और कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो वो भी चार्ज नहीं दे पाते, तो हम लोग उनको फ्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जी हाँ, हमारे संपर्क नंबर गाड़ी पे भी डाला हुआ है, हमारा कार्ड भी है, हम आपको दे देंगे। जैसा मेरा नंबर 9403208301 है, और ऐसे बहुत सारे 3-4 नंबर है जिसके अंदर में हम लोग आप ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। कहते हैं इंसान तभी इंसान कहलाता है जब वह अपनी मानवता दिखाता है। जहां एक और कई अस्पतालों द्वारा कोरोना मरीजों से बिना वजह मनमानी तरीके से पैसे लिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पाचपावली कोविड केयर सेंटर में जिस तरीके से लोगों को मुफ्त में इलाज किया जा रहा है, वो सच में काबिले तारीफ है। इस वक्त हमने कुछ मरीजों के परिजनों से भी बातचीत की, जिस दौरान उन्होंने बताया कि इस कोविड केयर सेंटर में उनके कोरोना पॉजिटिव मरीजों का पूरा इलाज मुफ्त में किया जा रहा है, साथ ही यहां उन्हें सभी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है। यहां भोजन की व्यवस्था भी मरीजों के लिए की गई है, जिससे वे काफी निश्चिंत है। मिस्टर यहां पर एडमिट है, और मैंने सबसे पहले पेशेंट का RT-PCR करी तो पॉजिटिव आया, फिर मैंने सब जगह फोन करी तो मुझे कहीं बेड अवेलेबल नहीं मिला। फिर मुझे जानकारी मिली कि यहाँ जमात इस्लामी वगैरह वालों ने खोले यहाँ पर पाँच पावली पे, तो फिर मैंने यहाँ पर अपने मिस्टर को एडमिट करी। यहाँ इनको हर प्रकार की सुविधा, रेडमी सिविर वगैरह इंजेक्शन जो इतना ज़्यादा महंगा है, वो यहाँ पर फ्री में अवेलेबल कराया गया। ऑक्सीजन वगैरह पूरे टाइम, यहाँ तक के लंच डिनर ब्रेकफास्ट अच्छे से अच्छा, सारे डॉक्टर मिलके बहुत अच्छे से मेरे पेशेंट का ख्याल रख रहे, और अभी माशाल्लाह से मेरा पेशेंट काफ़ी बेहतर है। मेरी वाइफ यहाँ पे पेशेंट है, जो भर्ती है अभी यानी 2-3 दिनों से, मगर उनके लिए ट्रीटमेंट वगैरह से यहाँ पे सब सहूलत सबसे अच्छी है। मैं कहीं बाहर नहीं गया, यहीं पे हूँ मैं। इन्होंने सर लोगों ने हमारे को अच्छा ट्रीटमेंट किया है। अभी कैसा है, और कहीं जा नहीं सकते हम लोग, यहाँ पूरा भरोसा है हमारे को। हमारे को कुछ भी हुआ तो तुरंत फ़ोन कर देते कि भैया ये प्रॉब्लम हो गई, आ जाइए। हमसे बहुत अच्छी सुविधा है, मैंने अभी तक कोई दवाई नहीं लेके आया, सारी सुविधा यहाँ से मिल रही है मुझे।
दूसरे के लिए जिया जाने वाला जीवन ही लाभप्रद है, ऐसा हम अक्सर सुनते तो है लेकिन बहुत कम लोग इसका पालन करते हैं। पाचपावली में काम करने वाले डॉक्टर उन लोगों में आते हैं जो निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करते हैं। यहाँ के एक डॉक्टर से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि भले ही इस कोविड केयर सेंटर में वेंटिलेटर और आईसीयू नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ आए माइल्ड सिम्टम्स वाले मरीजों की पूरी देखभाल अच्छे से ले रहे हैं। हालांकि यहाँ जब भी किसी मरीज को एडमिट किया जाता है तब सबसे पहले उसकी काउंसलिंग की जाती है और अगर उसके पश्चात वो सच में जरूरतमंद हो तो ही हम उसे अस्पताल में दाखिल कराते हैं। ये हॉस्पिटल जो अभी रन हो रहा, कोविड सेंटर जो रन कर रहे हैं, इसमें टोटल 78 बेड है। ये पूरे O2 फैसिलिटी के साथ अवेलेबल है। यहाँ पर वेंटिलेटर और ICU अवेलेबल नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि अभी आप देख रहे होंगे कि पेंडेमिक में बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो GMC और IGMC जा रहे हैं और वहाँ पर उनको बेड अवेलेबल नहीं हो पा रहा, उसकी वजह से वो जो है उनकी मौत हो जा रही है। तो गवर्नमेंट ने और NMC ने ये डिसीज़न लिया कि ऐसे कोविड सेंटर में माइल्ड और मॉडरेट पेशेंट को रखा जाए ताकि जो सीरियस पेशेंट है उनको जो है GMC IGMC में जो है आपको बेड मिल सके। तो इसलिए माइल्ड और मॉडरेट पेशेंट को यहाँ रख कर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। यहाँ पर न सिर्फ जो है डॉक्टर्स और नर्सेस का अपॉइंटमेंट हुआ है बल्कि उसके साथ साथ वॉलेंटियरली बहुत सारे लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और उनकी हम लोगों ने अलग अलग शिफ्ट में ड्यूटी रखे हैं। 5-5 घंटे की पूरे 24 आवर्स की ड्यूटी चार्ट बनाया गया और सब लोग जो है अपनी वॉलेंटियरली सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं और सबके कोऑपरेशन से ये सेंटर को अच्छे से रन किया जा रहा है। अब इस सेंटर में आपको मेडिसिन और ऑक्सीजन ये सब जो है फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल किया जा रहा है और हम अपील ये भी करते हैं यहाँ पर उसके साथ साथ फूड की भी फैसिलिटी है, चाय खाने भी जो है फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। फिर इसके बाद जो है हम ये अपील करना चाहते हैं जो पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं उनके रिलेटिव से कि आप पैनिक होकर के ना आए। यहाँ पर जो है सिर्फ उसी पेशेंट को, यानी यहाँ पर हमसे बहुत ज़्यादा आप ये फोर्स ना करें एडमिशन करने के लिए, वो इसलिए कि हम सिर्फ उन पेशेंट को यहाँ पर लेंगे जिनको ऑक्सीजन की वाकई ज़रूरत है। जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है अगर वो बेड ऑक्यूपाई करके रखेंगे तो ऐसे पेशेंट जो है वो फिर सीरियस कैटेगरी में चले जाएंगे। इसलिए आप जो है बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो, हमारे वॉलंटियर्स यहाँ पर उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं। काउंसलिंग में जो पेशेंट ऐसा हमको लग रहा है वाकई ये जो है नीडी है, इनको जो है माइल्ड और मॉडरेट कैटेगरी में आ रहे, तो उनको हम लोग यहाँ पर एडमिट करके इस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक पाचपावली के सेंटर में इस तरीके की सर्विसेज जो है यहाँ प्रोवाइड की जा रही है। सेवा करते वक्त ना फल के बारे में सोचना चाहिए ना ही फल को खोजना चाहिए, ऐसा बहुत बार कहा तो जाता है लेकिन आज के इस युग में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि इन सारी चीजों में भी जो पाचपावली कोविड केयर सेंटर में मदद कर रहे लोगों द्वारा किया जा रहा है वो सच में सराहनीय है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ अभिषेक पांसे की स्पेशल रिपोर्ट। अच्छा इंसान वही बेहतर है जो अपने में खुश रहता हो, लेकिन वो नहीं जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। अगर हम इंसान से इंसानियत ही निकाल दें तो वह भी एक जानवर ही है, इसलिए सदैव यही कोशिश करें कि हम इंसान होने के नाते इंसानियत को महत्व देना प्रारंभ कर दें। आज की हमारी इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN News। नमस्कार।